ये खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पेन ड्राइव में कर्ज माफी के आंकड़ों पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ अब तक के सबसे झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस पेन ड्राइव और ट्विटर की पार्टी है। कमलनाथ की सरकार ने किसी भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं किया है। पेन ड्राइव की तरह पहले भी इन्होंने ऐसे ही कर्ज माफी का बंडल जारी किया था। कमलनाथ की सरकार में एक भी मंत्री किसान के खेत नहीं गया। कमलनाथ जैसे ही मंत्री बने थे 1 साल के लिए वल्लभ भवन में क्वारंटाइन हो गए थे। कोरोना तो बाद में आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ की सरकार ने पहले किसानों से झूठा वादा करके पेन यानी दर्द दिया था, अब ये ड्राइव पे ले जा रहे हैं। कमलनाथ ने कभी किसी भी एक किसान का 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। कर्ज माफ करना तो छोड़ो, कमलनाथ या कमलनाथ के मंत्री कभी किसानों के खेत में भी नहीं गए। मंत्री बनने के बाद सभी वल्लभ भवन में क्वारंटाइन हो गए। हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल किसानों से मिलने, उनकी परेशानी जानने किसानों के पास जाते हैं। पहले ये कर्ज माफी का झूठा बंडल लेके आए थे, अब पेन ड्राइव लेके आए हैं। कमलनाथ पेन ड्राइव में दिखाएं अगर एक भी किसान का कर्ज माफ किया हो। ये पेन ड्राइव ट्विटर और टीवी की सरकार रही है। आपके किसानों को इतना नासमझ समझ रहे हैं। अरे सरकार में थे तब एक आध मंत्री ही चले जाते। आज हमारे कृषि मंत्री खेत खेत जा रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं, ओले पड़ जाए, पाला पड़ जाए। ये तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने कोरोना तो आया साल भर बाद, और ये क्वारंटाइन हो गए वल्लभ भवन में 1 साल पहले, निकले ही नहीं, खेतों पे गए ही नहीं कभी। ये स्वांग अच्छा नहीं है। किसान सब समझते हैं कि इन्होंने किसान को धोखा दिया है, और झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री अगर कोई है सर्वाधिक तो माननीय कमलनाथ जी। तो कहता हूँ कि ये पेन ड्राइव की सरकार, ये ट्विटर की सरकार है, ये टीवी की सरकार है। भाई अगर वो किसान के खेत पर पहुंच जाए और 4 किसानों के हाथ कंधे पे रखें और कहें कि देखो इनका 2-2 लाख रुपया 10 दिन में माफ कर दिया था, तो कुछ अच्छा लगे। पहले ऐसा ही बंडल जारी कर दिया था, फिर ऐसा ही बंडल जारी कर दिया। पहले पैन दिया, दर्द दिया, अब ड्राइव पे ले जा रहे हैं। पहले पेन दिया झूठा कर्ज माफी का वादा करके, अब ड्राइव हो रहे हैं। मित्र मैं आज भी कह रहा हूं 10 दिन के अंदर 1 का भी माफ नहीं किया, और पूरी पेन ड्राइव में, पूरी की पूरी पेन ड्राइव में वो निकाल के दिखाएं किस गांव के 4 किसानों के भी 2 लाख के कर्ज माफ हुए। काहे के लिए पेन ड्राइव का नाटक कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की और कहा कि काश कोई ऐसा पीएम पहले आ जाता तो भारत का मस्तक ऊपर हो जाता। उन्होंने कोरोना को लेकर कहा कि केंद्र से नई गाइडलाइन के बाद कोई फैसला किया जाएगा। काश पहले कोई मोदी आए होते तो जैसे भारत माता का मस्तक आज विश्व में गौरवान्वित हो रहा है, शायद हो गया होता। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने वाली है उस संबंध में, उनकी केंद्र सरकार की अनलॉक के बारे में गाइडलाइन आने के बाद में राज्य सरकार तय करेगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।